हेलो फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लाए हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके सभी न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। और आप लोग कमेंट में फार्मूले को बताते रहिएगा कि जो फार्मूला लग रहा है वो आपका कौन सा फार्मूला कहाँ से लग रहा है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन लगाते समय आपको मुख्य मुख्य बातों को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा पढ़िए और दी गई वैल्यूज को आप सबसे पहले लिख लीजिए बगल में और देखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है। फिर आपको ये सोचना है कि क्या ऐसा कोई फार्मूला है जो हमें ज्ञात करने में सहायता कर सकता है अज्ञात वैल्यू को, और है तो उसी को रखिए, नहीं है तो बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक चालक में 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आपको दिया गया है 5 मिनट तक, यानी कि समय टी बराबर दिया है 5 मिनट। और हम लोग सवाल लगाते हैं एसआई पद्धति में, इसलिए इसको बदलेंगे 5 गुणे 60 सेकेंड और 5 6 30 यानी 300 सेकेंड समय बराबर। और कह रहा है 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। एम्पियर आ गया, धारा प्रवाहित होती है, धारा आई बराबर 2 एम्पियर। तो आपको ज्ञात करना है चालक से होकर प्रवाहित होने वाला कुल आवेश क्यों का मान आपको ज्ञात करना है। पहले में क्यों का मान आपको ज्ञात करना है और आगे आपको ज्ञात करना है 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 मिनट में आपको ज्ञात करना है। चलिए, सबसे पहले एन का मान आपको ये भी ज्ञात करना है दूसरे में और 5 मिनट में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। पहले में हमें क्या ज्ञात करना है, तो कह रहा है आई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपका होता है क्यू बराबर आई टी। आप जानते हैं क्यू बराबर आपका फार्मूला होता है आई टी। आई का मान कितना है 2 एम्पियर और टी आपका है 300 सेकेंड। इस प्रकार ये आपका है एम्पियर और ये सेकेंड, तो 2 3 6 यानी कि 600 और कुलाम आ जाएगा आपका। क्यों का मान आ गया 600 कुलाम। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा आपको क्या कह रहा है, कह रहा है 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आप बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। सी लिखेंगे यहां पर, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और हमें क्या ज्ञात करना है, 600 इलेक्ट्रॉन है तो 600 इलेक्ट्रॉनों पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। और फार्मूला आपका होता है क्यू बराबर एन ई। एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन बराबर आपका हो जाएगा क्यू बाई ई। एन का मान, क्यू का मान आप रखिए कितना है 600 और ई का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹। ये ऊपर गया, ऊपर गया तो कितना बनेगा 600 × 10⁻¹⁹ बटे 1.6। देखिए, दशमलव हटा और एक जीरो हट गया। 16 से 60 16 3 48 16 3 48 हो गया और 12 बचा दशमलव लगाएंगे 120। 16 7 112 16 5 80 × 10⁻¹⁹ ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन। आपको यही पूछा है कि इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे 3.75 × 10⁻¹⁹ −19। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये यहाँ दशमलव लगा है और यहाँ पर आपका 600 लिखा है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो आपका ये ऐसे बनेगा एक लाइन, और 600
और एक जीरो और आ गया, गुणे 10 की घात 19 बटे 16। और इस प्रकार आप लिख सकते हैं 60 गुणे 10 की घात 21 बटे 16, और लास्ट में लिखेंगे आप 3.75 गुणे 10 की घात 21 आएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इतना आंसर आ गया आपका, पहले में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, कह रहा है यदि किसी चालक से होकर 5 सेकंड में, तो सेकंड आपको दिया गया है, तो टी बराबर कितना है 5 सेकंड में 2.5 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2.5 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई बराबर हमें बताना है। आपका फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर आपका हो जाएगा क्यू बाई टी, और क्यू बराबर आप जानते हैं क्या होता है, यन ई होता है, तो यन ई बाई टी हो गया। यन का मान कितना है 2.5 गुणे 10 की घात 20, और 1.6 गुणे 10 की घात -19 ई का मान होता है। टी का मान आपका कितना है, तो टी का मान है 5। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 20 में से 19 घटेगा तो बचेगा 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 बटे 5। 10 से गुणा करेंगे ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 गुणे 1.6 बटे 5, 5 5 25 और 16 5 80 यानी 8.0, तो 8 आ जाएगा आपका। किसका मान, आई आपको ज्ञात करना था, तो आई बराबर 8.0 एम्पियर, आई बराबर 8.0 एम्पियर आ जाएगा, या 8 एम्पियर भी इसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। 3 में आपको दिया है R बराबर 3 ओम, और कह रहा है इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। I बराबर आपको दिया है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, और आगे फिर कह रहा है यदि इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 2.4 वोल्ट हो तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो आप ओम का नियम जानते हैं क्या होता है, देखिए वी प्रोपोर्शनल आई होता है, और वी बराबर आर आई आपको ज्ञात करना है वी का मान, तो वी बराबर आर आई से मान रख दीजिए। वी बराबर आर का मान कितना है 3 है, आई का मान है 0.5, 3 5 15 तो 1.5 आ जाएगा वोल्ट, 1.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। और आगे कह रहा है यदि इस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 2.4 वोल्ट हो, ये पहला भाग है क्वेश्चन का, ये पहला भाग है। दूसरे भाग में कह रहा है यदि V का मान कितना हो, V का मान कह रहा है यदि आपका 2.4 वोल्ट हो तो कह रहा है I का मान ज्ञात कीजिए, R का मान दिया गया है 3 ओम, तो आपको कह रहा है कि I का मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर यहां से क्या फार्मूला हो जाएगा, V अपान R, V का मान कितना है 2.4, और साथ में साथ R का मान है 3, काटेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा यहां पर 10 से गुणा कर देंगे तो ये 24/30 होगा, 24 यानी 24/30 हो जाएगा, या फिर 3 8 24 यानी कि 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो I बराबर आपका आ जाएगा 0.8 एम्पियर, यदि कितना आपका विभवांतर हो जाए 2.4 वोल्ट का विभवांतर हो जाए तो 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो हम लोग इधर से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इधर से इसको मिटाना प्रारंभ करते हैं और आगे की सवालों को देखते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहिए उधर और समझिए अगली सवाल। सवाल नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के 3 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हुए, दूसरा श्रेणी क्रम में आपको दिया गया है R1 बराबर 10 ओम,
आर टू बराबर 20 ओम, आर थ्री बराबर 30 ओम दिया है। कह रहा है यदि शर्त नंबर एक की जब समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मान रख देते हैं हम लोग 1/r बराबर 1/r1 का मान है 10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए? इन तीनों का एलसीएम हम लेते हैं 10, 20 और 30 का, यहाँ चेक कर लेते हैं 10, 20 और 30 का एलसीएम। तो 2 से 2 5 10, 2 10 20 और 15, 2 से फिर से कटा 5 और 5 15, 3 से 3 5 15, 5 से कटा, 2 2 4 3 12, 2 2 4 4 3 12 5 60 आ गया। 1/r बराबर ये आपका 60 हो गया, 10 6 60 तो ये 6 और 20 3 60 तो ये 3, 30 2 60 तो ये 2। 1/r बराबर आपका हो गया 6 3 9 2 11/60, और इस प्रकार r बराबर आ गया आपका 60/11 ओम। जब ये समांतर क्रम में जुड़े हो तो आपका तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा 60/11 ओम। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा? 60/11। और इसको यदि और ज्यादा हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा R बराबर, देखिए 11 5 55, 5 बचा 50 हो गया, 11 चौको 44, 6 बच गया 60, फिर से हो गया तो 11 5 55, और ये आ गया R बराबर 5.45 ओम। दूसरा कह रहा है इसी में कि यदि प्रतिरोध जो आपके जुड़े हैं वो श्रेणी क्रम में हो, दूसरे में आपको कह रहा है श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मान रख देते हैं R बराबर 10 प्लस 20 प्लस 30 और R बराबर आपका आ जाएगा 60 ओम। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो आपका तुल्य प्रतिरोध 60 ओम होगा, और समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध 5.45 ओम हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया? तो चलिए हम लोग अब इसके बाद जो वीडियो आगे देखेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।